सिक्किम सरकार को सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग का मंत्री संजीत खरेल ने सिक्किम सरकार को दीर्घलंबित आमा योजना आगामी 3 मार्च देखि लागू होने तय भएको जानकारी गराएका छन्। उनले आगामी 3 मार्च में आमा योजना लागू गरिने घोषणा करे। उल्लेखनीय छ, आमा योजना अंतर्गत सिक्किम सरकार ने आय स्रोत को कुनै माध्यम नभएका परिवार का आमालाई वार्षिक 20,000 रुपया आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने छ। उक्त योजना को राशि लाभार्थी आमा को बैंक खाता में जमा होने र 14,000 लाभार्थी आमा को सूची तैयार भइसकेको मंत्री संजीत खरेल ने जानकारी शुक्रवार दक्षिण सिक्किम को सताम गांव में आयोजित कार्यक्रम को अवधि में बताए। यो विवाद होइन तपाईको यो ढिलो भएको कारण चाहिँ किन कतिवटा क्राइटेरियाहरु तपाईको फुलफिल भएको थिएन र त्यसले गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट ल्याउँदाखेरि कतिको ढिलो बुझायो कतिको छिटो त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति समय लाग्यो र यसलाई फेरि हामीले रिभाइज गरेर राम्रोसँगले र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 500 हो र फेरि यो 500 यो पालिको लागि फेरि पनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले भन्नुभएको छ फेरि पनि अब हामी रेडी हुँदै गर्नुपर्छ फेरि पनि हामीले अरू 500 आमाहरूलाई या 10,000 आमाहरूलाई फेरि पनि हामी योजनामा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ भने हामी यो 3 तारिकको दिन लन्च गर्दैछौँ। लन्च त भइसकेको हो तपाईँको यसलाई हामी उहाँहरूको पैसा चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टमा 3 तारिक स्टे दिन हामी वेल प्रिपेयर छौँ र डिपार्टमेन्ट लागि परिरहेको छ र त्यो दिन रम्फूको जुन बृहत जनसभामा हामी त्यो दिन गायनोकोमेस्टिया एक कंडीशन है जिसमें जनरली यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें कि चेस्ट का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जनरली ये बहुत सारे रीजंस हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये जनरली होता है। तो गायनोकोमेस्टिया से जो प्रॉब्लम है वो जो यंग जनरेशन अभी फेस कर रही है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं गायनोकोमेस्टिया का जो होने का जो रेट है या आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन है तो आज बहुत ज़्यादा है। 10 साल पहले या 20 साल पहले इतना ज़्यादा ये कंडीशंस नहीं होते थे, लेकिन अब हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। मीन्स बहुत सारे लोगों को ये गायनोकोमेस्टिया हो रहा है, जो चेस्ट का साइज है वो बढ़ रहा है, जो यंगस्टर हैं, जो जिम जाने वाले लोग हैं, जो डेली एक्टिविटी मीन्स हार्डवर्क जो जिम में कर रहे हैं उनमें किसी कारण से ये ब्रेस्ट का साइज जो है चेस्ट का साइज वो बढ़ रहा है। तो इसमें आपको जब आप बेयर चेस्ट होते हैं या जिम जाते हैं या आप स्विमिंग पूल में हैं या आप बीचेज पे हैं तो इस कंडीशन में आपको जो एक्टिविटी है वो करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। रीज़न क्या है कि आपके चेस्ट का साइज बड़ा है, तो सोशली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ऐसे पेशेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप गायनेकोमेस्टिया की जो सर्जरी है वो आप कराएं। ये बहुत ही सिंपल है, डे केयर प्रोसीजर है और बहुत ही एडवांस तरीके से हम लोग आजकल गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करते हैं। इसमें जो सर्जरी का जो स्टिग्मा है कि आपको कोई स्कार नहीं होगा, कुछ दिन बाद आपको कोई ये पता भी नहीं कर सकते कि आपकी ये गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी हुई है। जनरली हम लोग जो सर्जरी करते हैं उसमें चेस्ट के साइड में जस्ट 4-5 mm का एक स्कार होता है जो की होल्स हम लोग बनाते हैं, उसके थ्रू मशीन से सारी जो प्रोसेस है जो फैट है ग्लैंड्स है सारी चीज़ वहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। सामने कोई स्कार नहीं होता है तो देर इज नो सोशल स्टिग्मा कि आपने कोई गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी पहले कभी कराई है। और ये सर्जरी का जो प्रोसेस है ये डे केयर प्रोसेस है, मॉर्निंग में आप एडमिट होते हैं ऑपरेट होते हैं और इवनिंग में आप घर जा सकते हैं और घर जाने के बाद आप सेकेंड डे से आप डेली रूटीन एक्टिविटी जो अपनी होती है वो आप कर सकते हैं। विद इन 7 डेज आप हार्डवर्क भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप जिम जाने वाले लोग हैं तो आप जिम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 7 डेज। और कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको गारमेंट्स पहनना होता है, कुछ कंप्रेशन गारमेंट होते हैं, कुछ क्लोथ्स होते हैं जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप पहन के आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। और कुछ हफ्तों में मीन्स 1 or 2 weeks आफ्टर 2 weeks यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, आपके जो स्कार्स होते हैं जो स्टिचेज होते हैं स्टिचेज भी निकल जाते हैं और आप विद इन 2 वीक यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन टू डू एनी वर्क। अगर आप गायनेकोमेस्टिया से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ये प्रोसीजर आपको एडवाइस करते हैं। धन्यवाद।